और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से मिल रही है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस अधिकारी की, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है। इसी से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये आतंकी हमला हुआ है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। और आपको ये भी बता दें कि रिटायर्ड SP मोहम्मद शफी की मौके पर मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला में इस तरीके का, जो हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि ये इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। हालांकि अब इसकी जांच भी जरूर की जाएगी। वो आतंकी जिन्होंने गोली मारकर हत्या की है, वो आखिर कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, इसको भी यहाँ पर जरूर खंगाला जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला हुआ है और ये बहुत बड़ी खबर ऐसे वक्त पर है जब पहले ही पुंछ और राजौरी में आप देखिए सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। रिफत ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, आपके पास इसको लेकर कोई और डिटेल नहीं? देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, एक चौंका देने वाला हमला है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर मस्जिद में था और उस पर मिलिटेंटों ने हमला किया। आखिर क्यों ये हमला किया गया, क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो मस्जिद में जाएंगे, तो ये अब एक बड़ा कंसर्न बन गया कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं या जो अपने घरों में हैं, रिटायर हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न बन गया है। जिस तरीके से एक SSP रैंक के ऑफिसर को जो है मिलिटेंट हमले में मारा गया है, और ये पहला ऐसा मौका है कि किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मस्जिद में किसी ने गोली मार दी। लेकिन रिफत, आपके पास क्या इसको लेकर जानकारी है, क्या पहले से वो घात लगाकर ये हमला किया गया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी जरूर होगी कि वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ये जो इलाका है जहाँ पर गोली मारी गई है, ये इलाका कैसा है, आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी है? इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के ज्यादा नजदीक भी नहीं है, लेकिन उसी एरिया में पड़ता है, बारामूला एरिया में पड़ता है। और ये जो SSP थे, ये इनका नाम मोहम्मद शफी मीर बताया जा रहा है, और ये इसी इलाके में भी तैनात रहे हैं, बाकी जगहों पे भी तैनात रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एज SSP थे। और जब ये मस्जिद में जा रहे थे, मस्जिद में पहुंचे और उस पर गोलियां मारी गई, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है, जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन रिफत, क्या कुछ आपको प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को आखिर क्यों मारा गया होगा, और वो भी पहले से उनकी जानकारी लेकर? इसका मतलब तो ये है कि फिर रेकी भी पहले की गई होगी। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से हमला किया गया तो उसका मतलब है कि एक प्लान था, एक टारगेटेड किलिंग है, उनको चुन के मारा गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक SSP रैंक का ऑफिसर जब मस्जिद में जाता है, उसके बाद उस पर हमला होता है, तो जाहिर सी बात है ये एक टारगेटेड किलिंग है, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप पुलिस बताएगी। और फिलहाल खबर यही है कि एक SSP रैंक का ऑफिसर जो है, उसे मिलिटेंट ने मस्जिद में जो है फायर किया है। क्या अभी कोई डिटेल है कि वहां पर और ये कितने आतंकी थे, इसको लेकर भी कोई आंकड़ा सामने आया है, और क्या वो वहां पर छिपे हुए अभी भी हो सकते हैं, तो उसको लेकर क्या सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है वहां पर? सर्च ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन चूंकि रात के अंधेरे में ये सब कुछ हुआ, जो अजान देनी होती है मस्जिद में वो तकरीबन 6:30 बजे के करीब होती है, और उस टाइम अंधेरा होता है, रोशनी नहीं आई होती है, तो उसी बीच ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है उनको पता रह रहा होता कि ये उस टाइम आता है मस्जिद में सुबह अजान देने या अजान के टाइम, तो यही वजह है कि उस पे जो है ये हमला किया गया। रिपोर्ट, ऐसे मामलों में हमने देखा है कि जब पहले से रेकी की जाती है तो स्थानीय लोगों की एक बड़ी भूमिका निकलकर सामने आ जाती है, क्योंकि कई उनके मुखबिर भी होते हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई डिटेल आपके पास है कि आसपास लोगों को, किसी को हिरासत में लिया गया हो या पूछताछ उसके बाद हुई हो? क्योंकि अभी अभी ये खबर जो है ब्रेक हुई है, अभी जैसा मैंने कहा कि डिटेल इमर्ज हो रही है, उसमें शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो एरिया है, मैं बताऊंगा आपको कि ये सिक्योरिटी के हवाले से एक इम्पोर्टेंट एरिया समझा जाता है। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ इर्द गिर्द है, वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, पुलिस भी, आर्मी भी, BSF भी, तो उसके बावजूद क्योंकि इस एरिया को समझा जाता था सेफ, कि वहाँ पे कोई टारगेट नहीं कर सकता है, वहाँ पे मिलिटेंट जो है किसी पे हमला नहीं कर सकते हैं, खाली घुसपैठ की कोशिशें होती थी, उनको कुछ घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया जाता था, कुछ अगर सफल होती थी तो, लेकिन मिलिटेंट जो है वो कहीं पे सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर पहुंचते थे या नॉर्थ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में रहते थे। लेकिन ये जो गांडमुला का एरिया है, यहाँ पर जरूर जो है पहला ऐसा हमला है। तो अब बाकी जैसा मैंने कहा कि बाकी चीजें भी सामने आएंगी, और ऐसा क्यों हुआ, बाकी क्या डिटेल्स जो है जब वो आएंगी और एक्सपर्ट्स क्या बताएंगे और किस तरीके का कंसर्न रहेगा ये आने वाले दिनों में पुलिस के लिए, वो देखने वाली बात है।
रिफत, आपको याद होगा श्रीनगर में इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, हालांकि वो पुलिस अधिकारी थे यानी कि वो ड्यूटी पर थे, एक बच्ची के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और आतंकियों ने गोली मार दी थी उन्हें और उसके बाद डीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ली गई थी। हो सकता है कि टीआरएफ या ऐसे ही किसी आतंकी संगठन का इसके पीछे हाथ हो। देखिए क्या पाना मुश्किल है अभी, लेकिन जिस तरीके से आपने इंस्पेक्टर बसरूर की बात की, वो क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद उस पर हमला किया गया। ये ईदगाह श्रीनगर में हुआ था और बाद में वो तकरीबन एक महीने तक जो है जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे और बाद में वो किताब नाला का दम तोड़ बैठे दिल्ली एम्स में। लेकिन ये वाला जो मामला है ये थोड़ा नॉर्थ कश्मीर का है, वो सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर का था। ये वहां से वहां तक तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है, तो हम भी अभी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, तो जो भी बाकी डिटेल्स आएंगी वो हम दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। बिल्कुल रिफत, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। रिफत, जिस तरीके से जानकारी आप भी दे रहे हैं कि इस तरीके का मामला यहाँ पर इससे पहले नहीं सामने आया है, सवाल ये भी है कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को यहाँ पर गोली आखिर क्यों मारी गई, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे वो ये जानते थे आतंकी कि वो इस समय मस्जिद में यहाँ पर जाने वाले हैं और उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है और उसके बाद आप देखिए खबर बहुत बड़ी निकलकर सामने आती है रिफत। लेकिन ऐसे वक्त में जब पहले ही हम देख रहे हैं पुंछ और राजौरी में जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घात लगाकर आतंकी हमला कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि वो इसी तरीके का जिसे हम गोरिल्ला टेक्निक कहते हैं वो इसी तरीके की टेक्निक में अब अपना जो जगह है उसे भी फैलाने की कोशिश कर रहे हो और इसी का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि बारामूला में ये हमला हो जाता है। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पुलिस ऑफिसर्स को या पुलिस ऑफिशियल्स को वार्निंग है कि भाई अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब आप सर्विस में हैं तो उसके बाद जो है ये नतीजा आपका होगा, या तो ये है कि एक सॉफ्ट टारगेट मिला और उन्होंने उसकी फायरिंग की और कोई ऐसा नहीं कहीं पे सुरक्षा बलों पे वो हमला करते, तो या तो ये सॉफ्ट टारगेट है एक खबर में रहने के लिए, या फिर ऐसा है कि एक पुलिस को एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करेंगे तो रिटायर होने के बाद भी हम आपको मार सकते हैं और एक बड़े ऑफिसर को भी मार सकते हैं, तो ये हो सकता है कि ये उसके पीछे उनकी एक रणनीति हो। लेकिन अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है खासतौर से इस एरिया में और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स घरों में बैठे हुए अगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं है तो शायद अब उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल रिफत, ये बहुत बड़ी खबर है। तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो उसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की है जिनकी गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई है, ये बड़ी खबर है। और तस्वीर जो सामने आई है वो भी एक दर्शकों को दिखा देते हैं, ये कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि कैसे श्री मोहम्मद शफी जिसके बारे में हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उनको यहां पर कैसे बारामूला में, इस जगह को भी बकायदा लिखा गया है बारामूला में, यहां पर वाइल प्रेइंग अजान यानी कि जब वो मस्जिद में अजान के लिए यहां पर जा रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब यह भी बता दिया गया है कि यहां पर जो बाकी आने वाली डिटेल्स है उनका इंतजार किया जा रहा है, यानी कि आतंकी किस संगठन से हुए थे। लेकिन इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि जो एरिया है यानी कि जो जगह है यहां पर अब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ऑफिशियली जो ट्वीट किया गया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यह इस बात की तस्दीक करता है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, यानी कि यह आखिर कैसे यहां पर टारगेट किया गया और क्यों किया गया, क्या यह एक संदेश देने की यहां पर कोशिश है जैसा रिफत भी कह रहे थे। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए जम्मू कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से लिखा गया है आतंकवादियों ने गेंटमुल्ला शीरी बारामूला में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलीबारी की और जख्मी हो गए, इसके लिए इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जगह का नाम भी लिखा गया है और जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है उनका नाम भी बकायदा लिखा गया है, लेकिन अब इसके आगे लिखा गया है फर्दर डिटेल्स अवेटेड यानी कि अभी और जानकारी इस मामले को लेकर आना बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से और ऐसी जगह पर और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या करने का मतलब क्या है, सॉफ्ट टारगेट उनको मिला था और उसी से एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश थी कि चाहे आप रिटायर भी हो गए हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप आतंकियों के खिलाफ इस तरीके से ऑपरेशन चलाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल भी है। और ऐसे वक्त में जब एक एक करके आप देखिए कि इनका खात्मा हो रहा है, हमारे
हमारे जवान पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद हैं, आतंकियों को चुन चुनकर मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी नापाक हरकतें। और इसी का एक और बड़ा उदाहरण है कि बारामूला में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी की मौके पर यहां पर मौत हो जाती है, चूंकि उनको गोलियों से यहां पर भून दिया जाता है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिफत का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीर जरा आप देखिए, कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये ऑफिशियल जानकारी अब दे दी गई है और उसमें बताया गया है कि कैसे जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहां पर फायरिंग की है और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की इसमें हत्या हो गई है। मस्जिद में अजान देते वक्त आतंकियों ने गोली मारी है। मौके से तस्वीर जो कहती है वो ये कि अब वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, चूंकि हालांकि रात के समय में जरूर ये फायरिंग हुई है, लेकिन क्या वो यहां से भाग चुके हैं, कितने तादाद में वो आतंकी वहां पर थे, कहीं वो यहीं पर कहीं छुपे हुए तो नहीं है, इन सब को देखते हुए पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, आपको यहां पर बड़ी तादाद में दिखाई देगा कि कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए, इन आतंकियों को मार गिराया जाए। वही जगह है, उसी जगह की तस्वीर है जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। बारामूला में इससे पहले इस तरीके का मामला नहीं सामने आया, यानी कि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई हो, जैसा रिफत भी मेरे सहयोगी बता रहे थे। इसीलिए अब ये समझने की भी जरूरत है कि कहीं ये एक बाकी पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश के तौर पर तो नहीं उन्होंने हत्या की है और ये बताने की कोशिश की गई है, कहीं ये जो पुंछ और राजौरी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि हमने आपको दिखाया कि कैसे अखनूर में भी एक आतंकी को वहां पर ढेर कर दिया जाता है, सुरक्षा बल पूरी तरीके से खास तौर पर वो सारे इलाके जो सेंसिटिव है वहां पर मुस्तैद है, चप्पे चप्पे को इस वक्त इसीलिए खंगाला जा रहा है क्योंकि कहीं वो दूसरी जगह से सहारा लेकर आगे ना भाग जाए, पाकिस्तान ना चले जाए। रिफत ज्यादा जानकारी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। रिफत ये बताइए कि क्या ये असर उस बात का हो सकता है जम्मू उधर, बाकी आप देखिए पुंछ राजौरी और फिर अखनूर में भी जिस तरीके से हमारे जवान मुस्तैद हैं, क्या यह असर है कि दूसरी जगह को चुनकर एक संदेश दे दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम अभी भी अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के हमले करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक्टिव हैं, हम कोई भी हमला कर सकते हैं। और ऐसा मैंने कहा कि कश्मीर में जो है साफ टारगेट आजकल नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि एक साफ टारगेट को ढूंढ के एक बड़ी खबर बनाना चाहते हों या बाकी पुलिस के लोगों को डराना चाहते हों कि जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी बाकी डिटेल्स चूंकि आनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ये मस्जिद के दौरान जो है अजान देने गए थे और उस पर हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि वो किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, SSP रैंक का पुलिस ऑफिसर था और उस पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है ये प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खबरों में रहना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने पुंछ की बात की, तो वहाँ पे आर्मी पे अटैक किया गया और उसके बाद मिलिटेंट भागे और एक बड़ी खबर बन गई, तो यही एक हो सकता है कि रीज़न रहा हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या अब जो बाकी पुलिस के, क्योंकि सैकड़ों ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं और इंस्पेक्टर लेवल के, DSP लेवल के, SSP लेवल के, IG लेवल के, क्या अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, क्या इसके पास सिक्योरिटी थी और इसे इस्तेमाल नहीं की, ये अब डिटेल्स आ जाएंगी क्योंकि SSP लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑलमोस्ट सबके पास यहाँ पे सिक्योरिटी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, तो क्या इनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, इनको सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया था या उन्होंने मजबूरी नहीं समझी थी उस एरिया में सिक्योरिटी की, तो यही वजह हुआ कि इसको जो है टारगेट बनाया गया। और रिफत जो ये बारामूला है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसा हुआ एक जिला है और इससे पहले भी जो घुसपैठ की कई सारी खबरें हैं वहां से सामने आती रही हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या वहां पर भी ऐसे जंगल हैं या ऐसी गुफाएं हैं जिनका सहारा लेकर वो कहीं छिप जाते होंगे और रात के अंधेरे में वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं? जी बिल्कुल, जो गांटमुला एरिया है ये शीरी एरिया में पड़ता है या हम समझे कि उड़ी एरिया में पड़ता है। उड़ी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ एरिया है और उस पूरे एरिया में जो है घुसपैठ की कोशिशें होती रहती है, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस रहती है, लेकिन दूसरे साइड से इसको सिक्योर समझा जाता है, एरिया को बहुत ही सेफ समझा जाता है क्योंकि प्रेजेंस वहाँ पे सुरक्षा बलों की ज्यादा है, आर्मी बहुत ज्यादा तादाद में है, BSF उस पूरे एरिया में है, CRPF है, पुलिस है, तो इस पूरे एरिया को, क्योंकि शिरी जो है वहाँ पे पुलिस लाइन भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वो भी वहाँ पे है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे,
तो ये समझा जा रहा है कि खासतौर से उड़ी से लेके बराबर बारामूला टाउन तक जो है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। तो इस बीच अगर इस तरीके का अटैक हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी वहां पे पुलिस के अधिकारी होंगे या रिटायर्ड आर्मी के लोग होंगे तो शायद वो इनसिक्योर फील करेंगे। आप देखना होगा कि उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्या एडवाइजरी जारी की जाएगी। और वैसे ही एडवाइजरी जारी की गई थी पुलिस की तरफ से कि एहतियात बरता जाए, जहां जहां पे भी कोई पुलिस का अधिकारी घर जाता है वो वहां पे ये करें, एहतियात करें। लेकिन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है रिफत, इसकी डिटेल्स अभी और भी आना बाकी है और इसको लेकर आप नजर बनाए रखिएगा न्यूज 18 इंडिया पर। हम दर्शकों को हर छोटी जानकारी भी इस मामले से जुड़ी हुई जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।